हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर खिला है, काफ़ी टाइनी फ्लावर्स होते हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट का फ्लावर है और ये देखिए ये प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट होता है, कुछ अलग ही लुक देता है ये आपके गार्डन को। और इसका साइंटिफिक नेम है ट्रेटिस कैंटिया स्लेमोंटाना, इसे कई अलग नाम से भी जानते हैं। तो कुछ लोग इसे कॉब वेब स्पाइडर वॉट भी बोलते हैं, कुछ लोग वाइट गॉसमर भी बोलते हैं, कुछ लोग वाइट वेलवेट बोलते हैं, क्योंकि इनकी लीव्स के ऊपर बिल्कुल वेलवेट जैसा टच होता है। देखिए फ्रंट पे इसका जो लीव है ग्रीन कलर का होता है और बैक में देखेंगे तो ऐसे पर्पल कलर का लुक देता है, जिसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए पूरा पर्पल कलर है और फ्रंट पे देखेंगे तो ग्रीन कलर होगा। एक सकुलेंट प्लांट होता है, सकुलेंट की तरह इसकी केयर करनी पड़ती है, और अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है। तो मैंने भी इसे अपने गार्डन में जगह दिया है। देखिए इतने खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं। एक्चुअली इनके फ्लावरिंग का जो टाइम होता है ना, बहुत कम होता है। ये मॉर्निंग में खिलते हैं और दो चार घंटे में ही ये स्पेंट हो जाते हैं। देखिए अभी 11 o'clock हो रहा है मॉर्निंग का और ये फुल स्पेंट भी होने लगे, मुझे थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम लग गया। तो देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर है लेकिन स्पेंट हो रहा है। यहाँ से देखिए ये वाला फूल भी खिला था लेकिन ये मुरझाने लगा है। तो बहुत थोड़े टाइम के लिए खिलता है, लेकिन जो फूल खिलता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। ऐसे ये स्पेंट हो जाएगा। तो इनका जो फ्लावर होता है वो तो है ही पर्पल कलर का ब्यूटीफुल सा, लेकिन इनकी लीफ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि बिना फ्लावर के भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। इसके ऊपर जो ये फैदर्स होते हैं ना, इससे इसकी ब्यूटी कई गुना बढ़ जाती है। ऊपर से जो इनके हेयर्स होते हैं ना, वो मकड़ी के जाले जैसा लुक देते हैं, इसलिए इसे स्पाइडर वॉट का नाम भी दिया गया है। इसकी केयर मैं बताऊंगी इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। बहुत रफ टफ प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्लांट ईजिली ग्रोथ करता रहेगा। ईजी टू मेंटेन प्लांट होता है। तो देखिए क्या क्या करना है इसमें मैं बता देती हूँ। ये एक सकुलेंट प्लांट है, इनकी जो लीफ होती है वो भी थिक होती है, इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो भी थिक होते हैं, पल्पी होते हैं, तो इसमें वाटर स्टोर रहता है। तो जब आप इसको सॉइल मिक्सचर दें तो थोड़ा सा सैंडी सॉइल देंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप इसके सॉइल मिक्सचर में थोड़ा सा रिवर सैंड, थोड़ा सा गार्डन सॉइल और थोड़ा सा कंपोज ऐड कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बन के तैयार होगा। थोड़ा सा उसमें नीम खली पाउडर भी ऐड कर दीजिए ताकि इसमें किसी तरह के पेस्ट का अटैक ना हो। तो ये है सॉइल मिक्सचर इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। उसके बाद ये सन लविंग प्लांट है, ज़्यादा लो लाइट में रखते हैं तो प्लांट ख़राब होने लगता है। इस तरह से इसकी ब्रांचेस कुछ लैकी होने लगती है, मैंने भी इसे थोड़ा लो लाइट में रख दिया तो इस तरह से लंबी ब्रांचेस बनने लगती है, जो कि देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इससे प्लांट का शेप ख़राब हो जाता है। तो आप इसे मॉर्निंग या इवनिंग की 2-3 घंटे की सनलाइट देंगे तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी, प्लांट प्रॉपर शेप में रहेगा। फुल डे सनलाइट में रख देंगे तो इनकी लीव्स बर्न होने लगती है, क्योंकि इनकी लीव्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो फुल डे की सनलाइट नहीं देनी है। मॉर्निंग या इवनिंग की लाइट थोड़ी हल्की होती है तो वो आप 2-3 घंटे की दे सकते हैं। इसके बाद इसकी वाटरिंग का भी ध्यान रखना है, अगर एक्सेस वाटर हुआ तो ये प्लांट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, मर जाता है, इसलिए आप अगर वाटरिंग का ध्यान रखेंगे ना तो ये पेरेनियल है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो लिमिटेड वाटरिंग करेंगे, जब सॉइल ड्राई दिखेगी तो वाटरिंग कर देंगे, जब टॉप लेयर आपको थोड़ी सी मॉइस्चर दिख रही है, उसमें मॉइस्चर है नमी है, तो आप उसमें वाटरिंग अवॉइड करेंगे, तो इस तरह से प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये सनलाइट के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता रहता है और वेदर के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता रहता है। आप इसे जनवरी फरवरी मार्च में देखेंगे ना तो इसका कलर कुछ ग्रीनिश लुक रहता है, इस तरह से काफ़ी ग्रीनिश लुक में रहता है, कुछ वाइट सा लुक आता है। लेकिन अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस समय अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो इसका कलर कुछ रेडिश कलर में, पर्पलिश कलर में बन गया है। तो ये वेदर के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता रहता है। समर में तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन विंटर इसका डोरमेंसी टाइम होता है, विंटर में ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो आपको क्या करना है, जब इसकी ब्रांचेस ख़राब होने लगे ना तो आप इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए तो इसके रूट्स तो सेफ रहते हैं, बस ऊपर से लीव्स और ब्रांचेस गलने लगती है जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है। तो जब भी आपको लगे कि ब्रांचेस गल रही हैं, ख़राब हो रही हैं, इसकी लीव्स ड्राई होकर गिर रही हैं, तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही जनवरी फरवरी स्टार्ट होगा, फिर से इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो प्लांट है और ज़्यादा बुशी हो जाएगा पहले के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कभी कभार प्लांट पे पेस्ट का भी अटैक हो जाता है, तो ये शो प्लांट है और एक सकुलेंट प्लांट भी है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो कभी पेस्ट इस पे लग जाते हैं, कभी आपको दिखता है कि इस पे पेस्ट का अटैक हो गया है, तो आप इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल काफ़ी हल्का होता है और उसे स्प्रे कर देंगे तो
तो जो भी पेस्ट वगैरह लगे हैं वो प्लांट से रिमूव हो जाते हैं और आपका प्लांट रीग्रोथ कर लेता है, फिर से उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट का प्रोपोगेशन बता देती हूँ। प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत इजी है फ्रेंड, ये स्टेम के थ्रू भी ग्रो हो जाता है और अगर रूट्स के साथ आप इसकी स्टेम निकालते हैं ना, तभी भी वहाँ से भी वो रूट्स के थ्रू भी ग्रो हो जाता है। तो मैंने खुद भी इसे स्टेम के थ्रू ग्रो किया है। पहले तो मैं नर्सरी से लाई थी, लेकिन जब इसकी ब्रांचेस देखिए, यहाँ से हर जगह से मैंने इसे कट किया है, यहाँ से कट किया है और देखिए यहाँ से भी कट किया है और ये भी कट है। तो जहाँ जहाँ से कट किया वहाँ से न्यू ब्रांचेस तो बन रही है। देखिए जो ब्रांचेस मैंने कट करके इसी पॉट में लगा दी थी, क्योंकि मेरे पास प्लांट बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा गार्डन में प्लांट है, तो मैंने इसका अदर पॉट तैयार नहीं किया। तो देखिए ये कटिंग लगी है, ये भी यहाँ से कटिंग लगी है और देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, ये भी कटिंग लगी है। साइड में जितने भी ब्रांचेज हैं ना, ये सारे न्यू कटिंग है। इसकी कटिंग बहुत इजी टू ग्रो है, इजीली कटिंग लग जाती है। आपको क्या करना है, यहाँ से स्टेम को कट करना है, जो इस तरह से लंबी ब्रांचेज हो जाती हैं और पॉट के बाहर जाती हैं, आप उन्हें कट करके दोबारा से या तो उसी पॉट में लगा देंगे तो प्लांट बुशी हो जाएगा, या तो अदर पॉट भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे नोड एरिया से कट करके एक दो लीव्स हटा के 1-1.5 इंच स्टेम सॉइल में डाल देंगे तो बहुत ईजिली ये रूटिंग कर लेगा और प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इस तरह से आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है फ्रेंड, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। इसकी फैदर की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। तो मेरे गार्डन में तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है और मुझे यकीन है आप लोग को इस प्लांट की केयर वीडियो पसंद आएगी। जो भी मैंने टिप्स बताए हैं इसे केयर करने कि वो पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, तभी मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी और आप उसे देखकर अपने गार्डनिंग नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। जल्दी ही किसी नए टॉपिक पर आप लोगों से फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने प्लांट का भी। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।